हेलो वंश लवर्स एंड ईजान लवर्स। सो फाइनली मैं वापस आ गई हूँ मेरे इतने बड़े गैप के बाद। हाँ, मैंने कहा था कि मैं 23 के बाद ही स्टार्ट कर दूँगी मेरे नए FF, बट क्या है ना, मैंने सोचा मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ पढ़ के और मैं बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रही थी। सो मैंने कुछ YouTube पे चैनल्स थे, मैं वहाँ गई वांगशन से रिलेटेड एंड मैंने वहाँ काफ़ी सारी FF सुनी इन दिनों में एंड मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी FF भी लगी। अब पता नहीं आप सब ने उसे सुना है या नहीं, बट हाँ मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी FF मिली और अभी मैं कुछ FF अभी भी सुन रही हूँ क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। सो मैं हाँ मैं सुन रही हूँ एंड सो इसीलिए मैंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया था एज अ हॉलीडे लीव, बट आना तो था ही वापस काम पर। सो मैं अपने जॉब पर आ चुकी हूँ। सो गाइज, अभी मेरे पास आप सबके लिए दो ब्रांड न्यू FF हैं जिसके राइटर, डायरेक्टर, क्रिएटर सब मैं हूँ और मैंने इसे कहीं भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं लिखा है। सो आपको लिंक नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी जो दीदी है ना, मैं हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, नालायक हूँ ऐसा कह सकते हैं आप सब, क्योंकि मैं उसे लिखने तो फ़िलहाल वाली नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है एंड मैं आलसी भी हूँ। सो समय निकाल नहीं पाती हूँ ऐसा कह सकते हैं, मैं अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट कर देती हूँ, बकवास बंद करते क्योंकि अगर मैं बोलने लगी तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। सो दो स्टोरीज हैं मेरे पास। सबसे पहले स्टोरी की नाम है लव इन टाइम। ये FF बेसिकली हमें, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी इमेजिनेशन है, मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग है कि आखिर 16 साल तक हमारा विभूषियान आखिर उस चट्टान से, उस खाई में गिरा तो फिर गया कहाँ। सो इस FF में मैं आपको आंसर करूँगी, मेरी आंसर मतलब मेरी इमेजिनेशन को मैं आपको दिखाऊँगी कि आखिर उन 16 सालों में हमारा विभूषियान था कहाँ, क्योंकि इसका आंसर तो अनटेम्ड में भी हमें नहीं मिला था और मैंने काफ़ी FF सुनी भी, उसमें भी इसको ज़्यादा क्लियर या क्लेरिफाई नहीं किया गया। और सो मैंने, ये मेरी थिंकिंग है कि आखिर विभूषियान गया कहाँ। सो ये एक टाइम ट्रेवल स्टोरी है जहाँ बेसिकली हमारा विभूषियान एक टाइम जोन से ट्रैवल करके दूसरे टाइम में आता है, एक मॉडर्न एरा में आता है जहाँ पर वो हमारे माफिया के लैंड वांग जी से मिलेगा, क्या कह लीजिए वांग ईबो से मिलेगा। सो बेसिकली ये FF मॉडर्न प्लस हिस्टोरिकल FF है एंड इसमें हमारे 16 साल जो विभूषियान ने गायब हो गया था अनटेम्ड की लाइफ में, मतलब अनटेम्ड उस समय की दुनिया से वो टाइम ट्रेवल करके इस दुनिया में आता है मॉडर्न वर्ल्ड के एंड वो वहाँ पे अपने एक अलग से एक माफिया किंग लैंड वांगजी को देखता है, एक ऐसा पर्सन जो उसकी रियल टाइम लैंड वांगजी से एकदम अपोजिट है, एकदम अलग है। जहाँ हमारा लैंड वांगजी जो अनटीम्ड में था वो कितना ज़्यादा जनरस है, काइंड है एंड बहुत ही ज़्यादा कम बोलता है, बट ये माफिया किंग हाँ कम तो ये बोलता है बट उससे ज़्यादा अपोजिट, उसे किसी को मारना, किसी का ख़त्म करना उसके लिए बस एक नॉर्मल सी बात है, वो जस्ट कहते कहते किसी को भी ख़त्म कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। सो बेसिकली ये FF वही है कि 16 साल कैसे हमारा लैंड वांगजी जो माफिया है और वो भी मॉडर्न एरा का, वो हमारे विभूषियान को अपने पास संभाल कर रखता है एंड वो कैसे उसे वापस अपने टाइम यानी लैंड वांगजी के हमारे अनटेम्ड की टाइम लाइन में उसे वापस भेजता है। सो ये एक कह लीजिए मेरी फैंटसी है या कह लीजिए मेरा पागलपन है या जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, बट हाँ ये स्टोरी लाइन ऐसे ही है एंड इस स्टोरी का नाम है लव इन टाइम। और मेरी सेकेंड FF जिसका नाम मैं डिसाइड नहीं कर पा रही एंड इसीलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए क्योंकि FF का जो मेन स्टोरी है वो तो मैंने लिख लिया बट नाम क्या रखूँ समझ नहीं आ रहा एंड ये एक रिक्वेस्ट थी मेरे प्यारे से क्यूट से सब्सक्राइबर की कि उन्हें शियानवेंग FF चाहिए एंड मुझे पता है आप सबको, बहुत सारे लोगों को शियानवेंग कुछ खास पसंद नहीं है, आप हमेशा लैंड वांगजी को एज अ टॉप चाहते हो। सो इसीलिए मैं दो FF स्टार्ट करूँ जिसको शियानवेंग से अगर कोई दिक्कत है तो वो मेरे दूसरे मेरे टाइम ट्रैवल वाली स्टोरी को सुन सकता है एंड फिलहाल बात इधर आते हैं। तो मुझे इसका नाम समझ नहीं आ रहा, आप लोग इससे पहले सुन लीजिए एंड उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ प्यारे प्यारे नाम सजेस्ट कर लीजिए। सो उन नाम के साथ ही
मैं 2-3 दिन में इस FF को, या कह लीजिए 1st of April से, नहीं 2nd of April से मैं इन दोनों ही FF को स्टार्ट कर दूँगी। और सो इस स्टोरी बेसिकली ऐसी है कि हमारे लैन वांग जी बॉटम रहेंगे, ऑफ कोर्स ये बात है, एंड हमारा विभूषण टॉप। बट हमारे विभूषण को उसकी रियल आइडेंटिटी यानी उसका रियल नाम क्या है उसे पता ही नहीं होगा। वो बस ये जानता है कि उसका नाम मो शांशु है और वो मो क्लैन में, मो राज्य में, उसके मेन जो महल है उसके अंदर काम करता है और वहाँ उनके प्रिंस का मेन सर्वेंट है या असिस्टेंट ऐसा कह सकते हैं है। और उसे बस इतना पता है, उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और यहाँ हमारा लैन वांग जी जो कि क्यूट सा प्यारा सा ओमेगा है, बट हाँ जब बात उसकी फाइटिंग स्किल्स पे आए, उसके टैलेंट पे आए, तो वो अच्छे अच्छे की बैंड बजा सकता है। ये एक ओमेगा वर्ड स्टोरी है एंड हमारे वांग जी की, यानी हमारे लैन वांग जी की, द ग्रेट हंगमंग जून की मैरिज हमारे विभूषण से फिक्स्ड हो चुकी है। जबकि हमारे वांग जी इस दुनिया में आया भी नहीं था, तभी वांग जी की मदर जब प्रेग्नेंट थी और उन्हें पता चला कि उनके पास एक ओमेगा बेबी आने वाला है, सो उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड कांसे सरन के बेटे, एक लौते बेटे हमारे विभूषण से उसकी शादी फिक्स करनी थी। इसके बारे में विभूषण को भी कुछ खास याद नहीं, या कह लो पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा विभूषण उस समय केवल 4 साल का था। और उसी समय इन दोनों की शादी फिक्स्ड हो गई थी। और अब हमारा जब वांग जी बड़ा हो चुका है, उसे उसके पेरेंट्स अब नहीं हैं, उसके मदर और फादर नहीं हैं, तो फिर उसके अंकल ने उसे बताया है कि उसकी शादी ऑलरेडी फिक्स्ड है। सो उसे किसी भी और अल्फाज के आसपास करीब जाना या बातें करना या प्यार करना ये सब मना है उसके लिए। उसे केवल अपने प्यार, या कह लीजिए अपने हस्बैंड की तरफ पूरा अपना प्यार, अपनी केयर शो करना है। एंड और अब जबकि हमारा वांग जी जानता ही नहीं कि उसका हस्बैंड है कौन, कहाँ है, यानी इनफैक्ट पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड जानती ही नहीं है कि विभूषण जिंदा है भी या नहीं। बट तभी हमारा वांग जी तो वांग जी है, जब उसकी मदर ने प्रॉमिस किया तो उसे वो निभाएगा। एंड उसे लगता है कि उसका हस्बैंड नहीं है, सो वो ना ही किसी से प्यार कर सकता है, ना ही किसी को अपना दिल दे सकता है, या ना ही कुछ कर सकता है। बट फिर भी उसे हमारे मोशन से प्यार हो जाएगा। एंड टू बी सरप्राइज, हमारा वांग जी क्या कभी कन्फेस करेगा? अगर प्यार हो भी गया तो वो जिद्दी लाइन क्लैन का लिटिल प्रिंस कभी कहेगा अपनी बात, अपने दिल की बात, चाहे उसे प्यार हो या ना हो, फिर कहेगा नहीं कहेगा, वो कैसे अपने प्यार को ढूंढेगा। बट हाँ इन दी एंड ये हैप्पी एंडिंग ही है, क्योंकि हमारे लैन वांग जी की हेल्प से ही हमारा रियल विभूषण वापस आ जाएगा। सो ये स्टोरी कुछ ऐसी है। सो क्या आपके पास कोई अच्छा सा नाम है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे नाम ही नहीं समझ आ रहा है। और मैं इसकी बाद एक ट्रेलर रिलीज़ कर दूँगी, कह लीजिए 2nd of April को Part 1 रिलीज़ कर दूँगी। सो इससे पहले आपको प्लीज़ मुझे एक प्यारा सा क्यूट सा नाम, जैसा आपको अच्छा लगे आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। एंड प्लीज़ सो क्या आप लोग इसे ओके हो, आई होप कि सो कि आप दोनों ही स्टोरी से आपको अच्छा लगेगा एंड आप ओके होंगे। एंड तो चलिए आप मुझे ढेर सारे नाम और ये बताइए कि आपको क्या, आप लोग इन स्टोरी में इंटरेस्टेड हो या नहीं। सो गाइस ऑलवेज लव वांगशन एंड ईशान, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ प्लीज़ मुझे बताइए कि आप लोग कैसे हैं, इतने दिनों तक मैं नहीं थी, सो मैं आपके ना ही कमेंट्स पढ़ पाई, ना ही आप जान पाई कि आप लोग ठीक हैं या नहीं। सो अब मैं वापस आ गई हूँ, तो मुझे बताइए जल्दी जल्दी कि आपने इन दिनों क्या क्या नई FF स्टार सुनी किसी और चैनल पे, या क्या क्या किया। सो गाइज ऑलवेज लव वांगशन एंड ईशान, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।